नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और अभी कुछ दिन पहले ही एक हादसा हुआ था जिसमें एक सबमर्सिबल वेसल जो है वो पानी में जाते ही दुर्घटना का शिकार हो गया। खबरें आई कि एक सबमर्सिबल वेसल जो है वो कांटेक्ट से टूट चुका है, उससे कांटेक्ट और सोनार पे डिटेक्शन भी उनकी नहीं है। मतलब कहाँ पर है वो अभी उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है और उसमें मात्र 72 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो फिर दूसरे दिन 48 घंटे, तीसरे दिन हो गए 24 घंटे का ऑपरेशन। लोगों की उम्मीद थी कि बचाव और राहत कार्य जो है वो बहुत ही बड़े लेवल पे चल रहा था, क्योंकि नेवी भी शामिल थी इसमें और इसी वजह से ऑक्सीजन होने के कारण लोकेशन भी अननोन नहीं था, तो इसीलिए बचाव हो सकता था। लेकिन फिर बाद में कुछ और खबर निकल के सामने आ रही है और जो उसमें पैसेंजर थे उनकी मृत्यु हो गई है, तो हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहली बात है कि टाइटैनिक के बारे में, तो टाइटैनिक के बारे में लोगों को कहाँ से पता चला है? मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को जो टाइटैनिक जहाज है उसके बारे में इस मूवी से ही पता चली है। ये टाइटैनिक मूवी का भी नाम था और इसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट थी। और देख सकते हैं कि ये डायरेक्टर हैं, इनका नाम है जेम्स कैमरॉन। और इनके बारे में भी खास बात ये है कि ये भी इसी तरह के एक समुद्री यात्रा पे निकले थे। मतलब जो अभी समर्सिबल वेसल है इनका भी एक समर्सिबल वेसल था, लेकिन ये टाइटैनिक को देखने नहीं गए थे जबकि ये टाइटैनिक के डायरेक्टर थे। उसके बारे में थोड़ा आगे मैं बताऊंगा। काफ़ी मूवी फेमस हुई थी और इसी से लोगों को पता चला था कि टाइटैनिक भी एक जहाज थी। ये देख सकते हैं ये टाइटैनिक है और ये टाइटैनिक को देखने जाने वाला ओशियन टाइटन नाम से सबमर्सिबल वेसल है। ये बाद में डूब गई, रात के समय डूबी है, तो इसीलिए ये जो बाकी सारे फोटोज हैं वो असली नहीं है। कुछ हैं असली उस समय की, जैसे ये है। और इसके बारे में कहा जाता था कि ये कभी ना डूबने वाला जहाज है, लेकिन अपने पहले ही यात्रा में ये एक आइसबर्ग से टकरा के डूब गया था। तो ये भी एक बड़ी अनहोनी वाली बात है, क्या कह सकते हैं, क्योंकि प्रकृति से आप अगर मुकाबला करेंगे तो प्रकृति आपको हराने का बहुत ही ज़्यादा दम रखती है। और यही है, जेम्स कैमरॉन अपने समर्सिबल वेसल पे निकले थे, इसमें ये अकेले ही थे, इनके साथ कोई नहीं गया था। और ये दुनिया के सबसे गहरे पानी में गोता लगाने गए थे, मतलब कि पैसिफिक ओशियन में जो 11 किलोमीटर गहरा तह है वहाँ पे ये गए थे। और इनका आप वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको इनके वीडियो मिल जाएंगे। जैसे ये जो है ये उनकी असली तस्वीर है उस वेसल में और ये उस समय अकेले थे, तो इनके पास भी एक्सपीरियंस है और इसीलिए इनको न्यूज़ पे भी बुलाया गया इस बारे में डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो यही टाइटैनिक मूवीज़ के तहत आपको मैंने बताया कि टाइटैनिक को लोग कैसे जानते हैं। अब जो रियल टाइटैनिक है जिसका मलबा है वो ये है, तो इतने अंधेरे में वहाँ पे कुछ दिखता नहीं है, सूर्य की रोशनी जाती नहीं है, काफ़ी अंधेरा, काफ़ी गहरे में ये टाइटैनिक है, तो इसीलिए इस तरह के जो फ़ोटोज़ होते हैं वो जनरली रियल नहीं होते हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, नो साइन ऑफ मिसिंग टाइटैनिक टूरिस्ट सब समर्सिबल वेसल है यहाँ पे, तो ये भी एक है। इसको मतलब कैमरा के द्वारा ये सीढ़ी है शायद, उसको ये किया गया है, फिल्माया गया है, तो ये टाइटैनिक है। और असली में जो ये दिखता था यही अपने पहले इसका यात्रा थी, जो कि यूके से ये न्यूयॉर्क की तरफ अमेरिका की तरफ आ रहा था और इसी में आइसबर्ग से टकरा के ये डूब गया था। असली टाइटैनिक यही थी। तो यही एक जो इंट्रोडक्शन है टाइटैनिक जहाज़ को लेके और इसके मलबे को लेके। अब जहाँ तक वो समर्सिबल है वो बेसिकली ये है। तो समर्सिबल किसको कहते हैं, तो समर्सिबल और सबमरीन में मैं पहले थोड़ा सा फ़र्क आपको बता दूं कि समर्सिबल जो होता है वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता, उसके लिए एक सपोर्ट
शिप की ज़रूरत होती है, एक जहाज़ की ज़रूरत होती है, जबकि सबमरीन जो होता है वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। और इस वजह से दोनों में अंतर है कि जो पावर होती है वो सबमरीन खुद ब खुद किसी पोर्ट पे डॉक भी कर सकता है और पोर्ट से खुद ब खुद पानी में जा भी सकता है, लेकिन सबमर्सिबल के लो को ले जाने के लिए एक जहाज़ की ज़रूरत पड़ती है जो कि वो डॉक करती एक जगह पे एंकर करती है और इसको फिर सबमर्सिबल को वेसल को नीचे डालती है, जो कि एक पत्थर जैसी बात है कि अगर आप पानी में एक पत्थर डालते हैं तो वो डायरेक्ट डूब जाता है। उसी तरह सबमर्सिबल को भी डुबाया जाता है एक खास लोकेशन पर जहाँ वो जाना चाहता है और ये फिर धीरे धीरे नीचे चली जाती है। ऊपर आने के लिए भी इसको जहाज़ की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए दोनों में डिफरेंस यही है। ऑक्सीजन के मामले में भी सबमरीन अपना खुद का ऑक्सीजन बनाती है और सबमर्सिबल जो है वो उनके पास लिमिटेड ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे जो है ये सबमर्सिबल है, इसके जो CEO हैं वो अपनी कंपनी का सबमर्सिबल दिखा रहे थे। ये गेट है अंदर रहने वाले के लिए, ये स्क्रीन है जहाँ पे देखते हैं, ये टाइटेनिक कमल हुआ और ये गेमिंग कंट्रोलर है। ये गेमिंग कंट्रोलर से ही सबमरीन को डायरेक्शन मिल रही थी। तो ये पूरा खाका, ये खिड़की है उसकी, ये प्रोपेलर है और ये इस तरह उतारी जाती है प्लेटफॉर्म के तहत और इसे प्लेटफॉर्म से फिर नीचे गिराया जाता है, जैसे यहाँ पे निकाल के इसको नीचे गिराया जाता है। तो ये पूरा मामला है, पूरा डिटेल यहाँ पे उसकी बात की गई है। जो लोग थे अंदर वो लोग नहीं थे जो गए थे, ये तो टीम है जो टेस्टिंग कर रही थी। तो ये सारा कुछ चल रहा है और जो लोग गए थे इसमें उसके बारे में वो इस तरह बैठे होंगे। तो ये एक स्कीमेटिक है जिसमें पांच लोग किस तरह बैठे थे और ये जो पायलट है वो सामने से जो बिग जो बड़ा सा एक टीवी आपको दिखा था वो इसी गेम कंट्रोलर से इसको मैनेज कर रहे थे। तो प्रोपेलर बड़े नहीं होते हैं, इसको ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन चेंज करना या थोड़ा सा इधर उधर करना वो कर सकते हैं। तो ये प्रोपेलर्स इसी से चलते थे और ये खिड़की है। तो ये पैसेंजर गए थे। अब वो जो पैसेंजर थे वो कौन कौन थे? तो पांच पैसेंजर गए थे उसमें, जिसमें दो अरबपति थे, ये आप देख सकते हैं, ये ब्रिटिश अरबपति हैं। उसके बाद ये आपका स्कॉट रश हैं, जो कि मैंने अभी जो वीडियो दिखाया था उसमें यही CEO है, इन्हीं की कंपनी ही है ओशियन टाइटन और उसी का सबमरीन वो सबमर्सिबल वेसल था। ये एक्सपर्ट है जो कि जहाँ पे टाइटेनिक का मलबा है वहाँ पे ये कई बार गए होंगे, उसके बारे में एक्सपर्ट भी है और एक्सपीरियंस भी है। और ये दोनों जो है वो बाप बेटे थे, इनका पहला ये जर्नी था। ये भी अरबपति हैं, ब्रिटिश पाकिस्तानी, और इनकी भी सारे की मृत्यु हो गई। तो इसमें पूरा डिटेल में दिया गया उनके बारे में और ये सोनोग्राफी के द्वारा इस जो मलबा है उसकी एक इमेज बनाई गई है और ये कोऑर्डिनेट्स है। तो काफ़ी वेल नोन जगह थी क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट आते जाते हैं 1985 में। ये 1912 में ये जो टाइटेनिक जहाज थी वो डूबी थी, लेकिन 1985 में इसके मलबे की खोज हुई थी, जो कि एक जो अमेरिकन सैनिक है अमेरिकन नेवी के एक वेटरन ने खोज की थी, डाइवर ने खोज की थी। अब ये दोनों बात तो हो गई, अब प्रॉब्लम क्या हुई कि क्या सही में इसका कांटेक्ट टूटने के बाद ऑक्सीजन वाली बात थी उसके कारण डेथ हुई? तो बात ऐसी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो मटेरियल यूज़ किया गया था वो कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल और टाइटेनियम का यूज़ किया गया था। बहुत सारी कोताहियां बरती गई इसमें, इसको सर्टिफाई नहीं किया गया कि ये उतनी गहराई में जाने लायक भी है कि नहीं, और इसमें प्रेशर कितना पड़ेगा, ऑक्सीजन का मेंटेनेंस कैसे होगा, या सारा कुछ था। तो जब ये नीचे उस गहराई पे एक सर्टेन गहराई पे उतरी जहाँ पे ये टॉलरेट नहीं कर सकती थी, लेकिन इसको ले जाया गया वहाँ पे, तो उसके साथ ये हाल हुआ था। तो देख सकते हैं किस तरह से छित विच्छित हो गया, पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि इनमें जो लोग बैठे होंगे उनके साथ कैसी हालत होगी, सेम यही हालत होने वाली है, क्योंकि प्रेशर अब बॉडी पे भी पड़ता है तो बॉडी भी झेल नहीं पाती है। अब बात है कि आप जब कहा जाता है ऐसा कि हम ज़्यादा ब्रह्मांड को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं बजाय इसके कि हम समंदर के तह को जानते हों, और उसका एक उदाहरण ये भी दिया जाता है कि 95% जो है हम अपने समंदर की गहराइयों को बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया है, मात्र 5% किया है। अब नीचे अंदर क्या होता है, किस तरह के जीव जंतु वहाँ होते हैं,
क्योंकि समुंदर काफ़ी गहरा है और उस गहराई में भी जीव जंतु रहते हैं, उन पर प्रेशर कैसे वो झेल पाते हैं, उनके पास क्या सेंसरी ऑर्गेन्स होते हैं जिसके कारण इतनी गहराई में इतने अंधेरे में वो देख सकते हैं या सेंस कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ अभी हमें धीरे धीरे पता चल रहा है। बात ऐसी है कि ये इसीलिए इतना अनयूजुअल है क्योंकि हम हजारों सालों से समंदर पर ट्रैवल कर रहे हैं, समंदर से यात्रा करते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। यही बात स्पेस में भी होती है या एल्टीट्यूड पे भी होती है। अगर आप प्लेन में भी जाते हैं तो प्लेन भी एक सर्टेन प्रेशराइज्ड उनका कैबिन होता है जिससे वो जो बाहर से प्रेशर पड़ता है उसको इक्वलाइज कर सकते हैं। अगर प्रेशर अंदर में कम हुआ, जैसे इसमें कम था, तो फिर इम्प्लोड हो जाता है, एक्सप्लोजन में होता है कि बाहर की तरफ एक्सप्लोड होता है, बाहर की तरफ छितवच्छित होते हैं जो भी मटेरियल हैं, और इम्प्लोजन में अंदर की तरफ वो इम्प्लोड होते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल है, एक टैंकर है, इसके अंदर को प्रेशर को हटाने के लिए इसको वैक्यूम किया जा रहा है, इसमें से हवा निकाली जा रही है, तो देखें इसके साथ क्या होता है। ये एक टैंकर, खाली टैंकर है, ये इसको इम्प्लोजन कहा जाता है। जब अंदर का प्रेशर कम हो जाए तो बाहर का जो प्रेशर होता है वो इस पर सबसे ज़्यादा हावी हो जाता है और इसको इसी तरह से वो पूरी तरह से श्रंक कर जाता है। तो यही हालत उसके साथ भी हुई है। अब बात जो निकल के सामने आ रही है वो ये है कि जो ऑक्सीजन वाली बात तो इस तरह से एक न्यूज़ चला दी गई थी, लेकिन वो सच्चाई बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही ये सबमरीन या सबमर्सिबल वेसल उतरा था, उसी तरह से ये ख़त्म हो गया था। अब एक न्यूज़ आ रही है जिसमें ये बताया गया था कि US नेवी जो है उसको ये बात बहुत पहले से पता चल गई थी, क्योंकि हमारे नेवीज़ के पास, जो बड़े बड़े नेवीज़ होते हैं, उनके पास बहुत ही खास इक्विपमेंट्स होती है, बहुत सेंसिटिव इक्विपमेंट्स होती है, ताकि उनको पता नज़र रख सके कि कोई सबमरीन उनके नीचे से ही कहीं नहीं आ रही हो, या कुछ हॉस्टाइल नेशन हो या ड्रग डील वाले लोग हो, तो वो सबमरीन या सबमर्सिबल वेसल से वो इस तरह से ट्रैवल ना कर रहे हो। अब देखें इसमें आवाज़ सुने किस तरह से, ये रियल नहीं है, वीडियो रियल नहीं है, लेकिन आवाज़ कहा जाता है कि रियल है। अब देखें ये आवाज़ नेवी के माइक्रोफोन पे उसी समय आ गई थी जब ये सबमरीन नीचे उतरते ही छितविच्छित हो गया था। तो इसमें कोई बचाव की तो बात ही नहीं, इम्पॉसिबल ही था कोई बचना इसमें। तो ये देखें, अब डेप्थ की बात करें, मतलब गहराई की बात करें, तो ये गहराई है। एक फ़ोटो आपके सामने मैं रखता हूँ, ये आपका सी लेवल है, इससे यहाँ पर उतरने पर देख सकते हैं, ये मीटर में दिया गया है, यानी कि जो मीटर किलोमीटर की बात हो। अभी ये स्पर्म वेल है, ये वेल की एक प्रजाति है जो कि खास प्रजाति है, जो एक किलोमीटर गहराई तक भी जा सकती है, तैर सकती है। उसके अलावा भी जो सब ये टाइटेनिक का मलबा है वो लगभग 3800 मीटर यानी 3.8 किलोमीटर, लगभग 4 किलोमीटर अंदर है गहराई में। और जेम्स कैमरन जो गए थे वो 11 किलोमीटर यानी 10,898 मीटर, लगभग 11 किलोमीटर वो गहराई में गए थे। तो हमारा समंदर इतना गहरा है, समझ सकते हैं। और इस वजह से प्रेशर जो होता है, हम जो मनुष्य 40 मीटर के प्रेशर, उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, 40 मीटर पे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है एक मनुष्य के उसमें, और ये इतनी गहराई में। तो इसीलिए वो जो वेसल था वो उतना कैपेबल नहीं था, तो इस वजह से भी एक प्रॉब्लम थी उसमें। अब जहाँ तक इसमें कुछ ये मलबा निकल के सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं, और मलबे की हालत ही देख सकते हैं। इसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ था, कोई ऐसा एक्सप्लोसिव नहीं था इसमें, ये एक सिंपल मलबा है। किस तरह से टूट के उसको निकाला जा रहा है, कोई तोड़ा नहीं गया, ये टूट के ही निकला इस तरह से। तो हालत बहुत ख़राब है। अब जहाँ तक बताया गया कि बॉडी निकलने की बात है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा है ह्यूमन रिमेन्स, यानी बॉडी इम्पॉसिबल था, ह्यूमन रिमेन्स है। तो बहुत ही दुखद घटना, बहुत ही भयावह घटना थी। अब इसमें एक और बात निकल के सामने आ रही है कि कुछ लोग बोलते हैं, जो
कंट्रोलर यहाँ पे दिखाया गया है, गेमिंग कंट्रोलर, उसकी वजह से हो सकता है कि घटना हुई हो, क्योंकि ये जो कंट्रोलर है ये गेम के लिए है, ये सबमरीन के लिए नहीं है, ये बताया जाता है। लेकिन बात ऐसी है, और इस वजह से क्या हुआ है कि जो लॉजिटेक है एक कंपनी है, उनकी गेमिंग कंट्रोलर बनाते हैं जैसे ये है, इस पोस्ट की वजह से, इस ट्वीट की वजह से बहुत सारे लोग वायरल हो गया ये ट्वीट, तो लॉजिटेक का जो स्टॉक है वो भी उसमें भी उसके प्राइसेस नीचे आ गए। तो ये एक दुखद घटना है, इसमें दुखद लॉजिटेक के लिए है क्योंकि इनकी तो कोई गलती है नहीं, फिर भी उनके प्राइसेस डाउन हो गए। ये गेमिंग के लिए, जो वीडियो गेम्स होते हैं उनके लिए कंट्रोलर होता है। अब ये कोई नई बात नहीं है कि जो सबमरीन्स होते हैं या सबमर्सिबल वेसल होते हैं या इवन यूएवी होते हैं, इनको गेमिंग कंट्रोलर से ही कंट्रोल किया जाता है। देख सकते हैं जैसे ये यूएवी होता है, सॉरी ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, आपको पता ही होगा अभी भारत भी MQ-9 एक ड्रोन खरीद रहा है, उसकी पायलटिंग ऐसे ही होती है, इनको पायलट कहा जाता है, जबकि ये ग्राउंड पे होते हैं, ये धरती पे जो स्टेशन बनता है उसमें रहते हैं और यहीं से वो ड्रोन उड़ाते हैं। तो देख सकते हैं ये भी जो कंट्रोलर है इसको जॉयस्टिक कहा जाता है, ये कोई प्लेन का कंट्रोलर ना हो कि ये जॉयस्टिक होते हैं और इसे कंट्रोल किया जाता है, सामने स्क्रीन होती है और ड्रोन पे कैमरा लगाया होता है। सेम इसी तरह अगर आप घर में चाहें तो घर में प्लेन उड़ा सकते हैं, सिमुलेशन होगा, रियल नहीं, लेकिन प्लेन उड़ा सकते हैं, पूरा आपका देख सकते हैं कि किस तरह से एक प्लेन के कॉकपिट जैसा पूरा यहाँ पर सेटिंग किया गया है, तो ये भी उड़ा कर सकते हैं। फिर ये भी देख सकते हैं कि दूसरा भी एक यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह से आप घर पे बैठे ही प्लेन उड़ा सकते हैं, रियल ना होते हुए भी बिना लाइसेंस के। तो ये चल रहा है, ऊपर से ये भी है US नेवी की, आप देख सकते हैं इनके हाथ में गेमिंग कंट्रोलर है और ये US नेवी के सबमरीन में यूज़ की जाती है, ये रियल है, लेकिन सबमरीन को चलाने के लिए नहीं, पेरिस्कोप के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि $38,000 का उनका अपना जो पेरिस्कोप का कंट्रोलर था उसके बदले वो मात्र $30,000 के एक्सबॉक्स यानी गेमिंग कंट्रोलर को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अंतर यही है कि ये तो है, ये स्पेसिफिकली नेवी के लिए बनाई जाती है कंपनी द्वारा, उनको ऑर्डर दिया जाता है, वो बनाते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन होती हैं, जनरली जो आम गेमर्स होते हैं उनके जैसा थोड़ा सा डिफरेंस होगा ही, उसी तरह जो ओशियन टाइटन का जो बनाया था उसमें भी ऐसा ही कुछ डिफरेंस था। तो यही सब कुछ पहलू आपके सामने मैं रखना चाह रहा था, ये निकल के सामने आए हैं। आपको ये कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, साथ में अपने मेरे फेसबुक पे, मेरे ट्विटर पे कॉन्टैक्ट जुड़े, आप ज्वाइन करें उनको। और अभी के लिए इतना ही, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले बार एक नए टॉपिक के साथ। एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो आप देखें और ये इसमें आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से हमारे संबंध है कितने गहरे हैं। तो मैं चलता हूँ, आप ये देखें। तो अभी के लिए नमस्ते, जय हिंद।